ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए, पत्नी भी साथ थी, दोनों यहां करीब 45 मिनट रुके। पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी, ब्राजील इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मोदी को पौधे भेंट किए, बाइडेन वियतनाम रवाना। साझा डिक्लेरेशन भारत की कूटनीति जीत, रात तक यूक्रेन मुद्दे पर नहीं बन सकी थी सहमति, पीएम मोदी ने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया। भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप मिडिल ईस्ट, ये चीन के BRI का जवाब, बाइडेन ने बताया गेम चेंजर, मोदी को शुक्रिया कहा। यूपी समेत 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, देश भर में इस सीजन 76 mm कम पानी गिरा, 14 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू कोर्ट में किए गए पेश, 371 करोड़ के स्कैम में 10 घंटे पूछताछ हुई, पुलिस ने पवन कल्याण को हिरासत में लिया। इसरो ने तीसरी बार आदित्य L1 के ऑर्बिट बढ़ाए, थ्रस्टर फायर किए गए, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर। हर दो लोकसभा सीटों पर कॉल सेंटर बनाएगी भाजपा, हर सेंटर से जुड़ेंगे 20,000 कार्यकर्ता, एक टीम प्रचार करेगी, दूसरी विरोधियों से निपटेगी। करतारपुर कॉरिडोर में रात्रि ठहराव की योजना, चौथी वर्षगांठ से पहले पाकिस्तान प्लानिंग में जुटा, सुबह शाम की आरती देख सकेंगे श्रद्धालु। जवान शनिवार को लाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान, तोड़ा पठान गदर 2 का रिकॉर्ड, 3 दिन में कमा डाले 350 करोड़।